नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी स्पेशल। जी हां, आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हम आपके लिए स्पेशल लेकर के आए हैं कपास पर खबर। कपास में ये एक्सक्लूसिव खबर है कि विदेशी बाजारों के अंदर कपास का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो काफी डिक्लाइन किया है, काफी गिरा है, जिससे विश्व बाजार के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर कपास की किल्लत होने लगी है। अब उसका इंपैक्ट यहां भारतीय बाजारों पर क्या आएगा, ये हम समझने की कोशिश करते हैं और इस पर हम डाटा के साथ में, आंकड़ों के साथ में इसको एनालाइज करते हैं। साल 2022 जी हां की तरह इस साल यानी कि 2024 के अंदर भी कपास के किसानों, कपास के कारोबारियों और कपास के निर्यातकों के लिए यह एक बड़ी खबर है, क्योंकि एक बार फिर से साल 2022 की तरह कपास के किसानों, कारोबारियों और निर्यातकों को 15,000 रुपए प्रति क्विंटल तक के क्या भाव मिल सकते हैं, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस पर हम आंकड़ों की जो तहकीकात है उसको इनकोड करने जा रहे हैं। आपको बता दें, चीन में ठंड ज्यादा पड़ने से और अमेरिका के अंदर में जो क्लाइमेट चेंजेस हैं उसकी वजह से, और साथ ही साथ भारत में भी प्रति हेक्टेयर कपास के उत्पादन में हमने गिरावट आते हुए देखी है। इन तीनों बड़े देशों के बीच के अंदर में कपास का उत्पादन काफी फिसला है, और ये इतना ही नहीं फिसला कि पिछले साल से इसका कंपैरिजन किया जाए, बल्कि 7 साल के अंदर सबसे लोएस्ट प्रोडक्शन साल 2023 के अंदर में दर्ज किया जा रहा है। अगर साल 2023 की मैं बात कर दूं और 2023 और 24 की मैं बात कर लूं, तो यहां पर तकरीबन पूरे विश्व भर के अंदर में 3% कपास के जो टोटल प्रोडक्शन है उसके अंदर में गिरावट दर्ज की जा रही है। एक बड़ा नंबर है, एक बड़ा फिगर है। आपको बता दें कि अक्टूबर में कपास का जो सीजन शुरू हुआ है, तो कपास का जो MSP था उसके भी नीचे कपास ने ट्रेड करना शुरू किया था, ये सभी जान रहे हैं। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से कपास की कीमतों के अंदर में इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 2 हफ्तों से कपास की कीमतों में एक तरफा रैली देखने को मिली है और पिछले 2 हफ्तों के अंदर कपास की कीमतों में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल तक का उछाल आ चुका है। आपको बता दूं कि मिली जो जानकारी है उसके मुताबिक चीन में बदले मौसम ने कपास के उत्पादन को खासा प्रभावित किया है, और वहीं अमेरिका का भी जो कपास उत्पादन है प्रति हेक्टेयर कमजोर हुआ है। भारत के अंदर तो जो रकबा है उसमें ही सेंध लग गई है, भारत के रकबे के अंदर में गिरावट दर्ज की गई है। अभी फिलहाल विदर्भ की मैं अगर बात करूं, जहां से मेरे पास में प्राइस आए हैं, जो 15 दिन पहले 6400 रुपए प्रति क्विंटल थे, वो आज 7400 रुपए यानी कि 7400 रुपए प्रति क्विंटल पर बोले जाने लगे हैं। पूरा 1000 रुपया प्रति क्विंटल का उछाल यहां पर देखने को मिला है। अब दुनिया के बाजारों पर भी अपन नजर डाल लेते हैं कि वहां की स्थितियां कैसी हैं। साल 2023-24 का जो मार्केटिंग सीजन है, इस सीजन का जो उत्पादन है वो 7 साल में अपने न्यूनतम स्तर के ऊपर है। पहला, सबसे बड़ा पहला पॉइंट, 34 लाख बेल कमजोर उत्पादन है। 34 लाख बेल पूरे विश्व भर के अंदर में हमने कमजोर इसका उत्पादन देखा है। 1,128 लाख बेल पर यह उत्पादन पहुंच गया है। आपको बता दें कि इस साल चीन, अमेरिका और भारत के अंदर में प्रति हेक्टेयर जो यील्ड है उसमें भी फिसलन देखने को मिली है। हेक्टेयर तो कम हुए ही हुए हैं, उत्पादन क्षेत्रफल तो कमजोर हुआ ही है, इसके साथ प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन निकल रहा था उस यील्ड में भी हमने कमजोरी आते हुए देखी है। और अगर ब्राजील की अगर हम बात करें, वहां पर निश्चित तौर के ऊपर पे एक थोड़ी सी पॉजिटिव खबर जरूर है कि वहां पर 30% तक का जंप कॉटन के उत्पादन के अंदर देखने को मिला है, जो कि वहां के 10 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है पूरे विश्व भर का, जिसके अंदर मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, जिसमें वो कंट्रीज भी शामिल है, पाकिस्तान, ब्राजील और आपका फ्रेंक जोन, जहां पर उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिली है,
लेकिन उसके अलावा पूरे विश्व के अगर उत्पादन की बात की जाए तो उसमें डिक्लाइन है, वो अपने 7 साल के न्यूनतम स्तर पर है। अगर इन कंट्रीज के बीच में उत्पादन ज्यादा नहीं होता तो डिप और भी बहुत गहरा हो सकता था। अकेले चीन में कपास का उत्पादन 32 लाख बेल कम होकर के 275 लाख बेल पर पहुंच गया है, जो कि 9 साल में सबसे कमजोर है। ये बीते 9 सालों में 15% कमजोर है। चीन के शिनजियांग के आसपास के इलाके में कपास का उत्पादन साल 2015-16 से लगातार फिसल रहा है, उसका भी यहां पर ये हम इंपैक्ट देख रहे हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत में कपास का उत्पादन क्षेत्र 2 लाख हेक्टेयर कम हुआ है। इस साल 127 लाख हेक्टेयर पर भारत का कपास उत्पादन है। मॉनसून में देरी और मौसम के बदलाव के चलते उत्पादन में कमजोरी देखने को मिल रही है। वहीं कपास पर टिड्डियों का हमला भी देखने को मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक भारत का कपास उत्पादन 13 लाख बेल कमजोर होकर 250 लाख बेल अनुमानित है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कपास का जो उत्पादन है वो 20 लाख बेल कम होकर के 124 लाख बेल पर रह सकता है। वहीं ब्राजील में उत्पादन बढ़ा है। मैं पहले कह चुका हूं कि ब्राजील के अंदर 28 लाख बेल बढ़कर के 146 लाख बेल का अनुमान है। और कुल मिलाकर के अंदर में इस साल कपास का जो उत्पादन है वो कमजोर हुआ है, तो इस बार निर्यात अच्छा होने की संभावना है। हालांकि देश के अंदर खुद उत्पादन कमजोर है, इसके साथ साथ में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर अच्छी खासी डिमांड निकल करके आती है, क्योंकि विश्व ने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया है और यहां से एक अच्छी खासी डिमांड अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर भारत से निकल सकती है, जा सकती है और निर्यात बढ़ सकता है, जिससे कपास की कीमतों में एक बार फिर से हम उछाल आते हुए देखेंगे। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही 10,000 रुपए का स्तर तो आपको टूटता हुआ नजर आएगा और उसके बाद अगला पड़ाव 15,000 रुपए प्रति क्विंटल का भी हो सकता है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि इसी तरह की एक्सक्लूसिव खबरों का सिलसिला लगातार मार्केट टाइम्स टीवी पर जारी है। कि पूरे विश्व के अंदर